हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएमके टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम मनाने वाले हैं इस ऑटोमेटिक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स को। तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को कैसे बना सकते हैं, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो में दिखाया है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप भी इस प्रोजेक्ट्स को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस सर्किट को डिजाइन करेंगे इस सर्किट डायग्राम को देखकर। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक 0 PCB लेंगे और फिर इसके बाद हम एक BC547 ट्रांजिस्टर और इस तरह से इसे हम इस PCB में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद एक और ट्रांजिस्टर BC547 लेंगे और इसे भी इसी तरह से फिक्स कर देंगे। और फिर हम सर्किट डायग्राम की मदद से इनके सोल्डरिंग करेंगे, यानी इनके कनेक्शन करेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर और सेकंड का बेस हम एक साथ जॉइंट कर दिया। और फिर एक 1 kΩ का रेजिस्टेंस लेंगे और जहां हमने जॉइंट किया उसका एक टर्मिनल इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद एक और 1 kΩ का रेजिस्टेंस लेंगे और हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर के बेस में कनेक्ट कर देंगे एक टर्मिनल को रेजिस्टेंस के। और फिर इसके बाद दूसरा टर्मिनल है तो दोनों के एमिटर में उसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद हम 2 वायर लेंगे और फिर हम ब्लू वायर को हम फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था उसका जो सेकंड टर्मिनल बचा हुआ था उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये LED कनेक्ट करने के लिए यूज होगा, यानी ये LED का पॉजिटिव होगा। और ब्राउन वायर को हम सेकंड ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में कनेक्ट करेंगे, ये LED का नेगेटिव पॉइंट होगा। और फिर इसके बाद 2 और ब्लू वायर लेंगे और हम फर्स्ट रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल है उसी में कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम दूसरे ब्लू वायर को हम सेकेंड रेजिस्टेंस और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो कॉमन था, यानी बेस पॉइंट था फर्स्ट ट्रांजिस्टर का, उसमें कनेक्ट कर देंगे। ये LDR कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। अब इसके बाद हम बैटरी कैप लेंगे। बैटरी कैप का पॉजिटिव हम फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो सेकेंड टर्मिनल है उसमें कनेक्ट कर देंगे। और फिर इसके बाद हम इसका ब्लैक वायर दोनों ट्रांजिस्टर के एमिटर में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम LED कनेक्ट करेंगे टेस्टिंग करने के लिए। LED का पॉजिटिव बड़ा लैग होता है तो उसे हम ब्लू वायर में कनेक्ट कर देंगे और इसका जो LED का छोटा लैग होता है वो नेगेटिव होता है तो उसे ब्राउन में कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम LDR लेंगे। तो LDR में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, तो किसी में भी किसी पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो हमने LDR को कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो हम जैसे ही 9 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करेंगे और अब जैसे ही हम LDR पे डार्कनेस करेंगे तो LED ग्लो कर रही है। अब इसके बाद हम स्ट्रीट के लिए लाइट बनाएंगे तो हम इसे मरकरी का शेप देंगे। तो इसके लिए हमने इस तरह से इसमें LED को फिट कर लिया है। और फिर इसके बाद हमने पिलर लिया है और ये हमने पेपर से बनाया है। अब इसमें हम वायर निकाल लेंगे और इसके बाद हम अब इसके LED के पॉजिटिव में इस ब्राउन वायर को कनेक्ट कर देंगे और फिर नेगेटिव में LED के इसका ब्लैक कनेक्ट कर देंगे। LED का ब्लैक छोटा होता है लैग और पॉजिटिव बड़ा होता है। और इस तरह से हम इसमें फिक्स करेंगे इस पिलर में कि ये बिल्कुल सही से शेप दिखे हमें। तो हम इसमें टेप लगा देंगे जिससे कि ये हटे नहीं। तो इस तरह से अभी हमारे पास एक मरकरी कंप्लीट हुई है। और फिर हम इसी तरह से कई सारी मरकरीज को बना लेंगे और फिर हम इनमें पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ जॉइंट कर देंगे, क्योंकि अभी हम 2-way स्ट्रीट लाइट का प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो इसीलिए हमें कई सारी मरकरीज को दोनों साइड लगाना पड़ेगा।
और फिर इसके बाद हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि एक ही वायर के थ्रू इन दोनों मर्करीज में पावर चली जाएगी। और फिर इसके बाद हम एक और पिलर लेंगे, इसे भी हमने पेपर से बनाया है, और फिर इस तरह से इसमें इन दोनों मर्करीज को फिक्स करके हम दोनों साइड के लिए यानी टू वे स्ट्रीट लाइट के लिए इस तरह से ग्लू से फिक्स कर देंगे, और फिर ये मर्करी का शेप बन जाएगा, एक अच्छा लुक बन जाएगा। आप और भी डिज़ाइन दे सकते हैं इसमें। और फिर इस तरह से हमने 5 मर्करीज को हमने बना लिया है दोनों साइड के लिए, और फिर ये हमने रोड का यानी स्ट्रीट का एक डिज़ाइन दे दिया है, क्राफ्टिंग कर ली है, और इस तरह से हम सेम डिस्टेंस पर इनको फिक्स कर देंगे ग्लू के थ्रू। तो हम हॉट ग्लू गन से इन सभी को इसी मिडिल में सभी को फिक्स कर देंगे। तो हमने सभी 5 मर्करीज को फिक्स कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक लग रहा है दिखने में। अब इन सभी में एक एक वायर है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो हम इन सभी पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में जॉइंट करेंगे एक वायर की मदद से। आप किसी भी कलर का वायर ले सकते हैं, और आपस में ये देखना है आपको पॉजिटिव पॉजिटिव में ही कनेक्ट करना है, नेगेटिव नेगेटिव में ही। जैसे अभी हमने किसी में वाइट लगा दिया, किसी में ब्राउन ग्रे, इस टाइप से। लेकिन आपको याद रखना है कौन सा हमने पॉजिटिव में कनेक्ट किया है, कौन सा नेगेटिव में LED के, तो उसे हमें पॉजिटिव पॉजिटिव में और नेगेटिव नेगेटिव में कनेक्ट करना है। तो इस तरह से हम इन सभी 5 पिलर के पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे। तो हमने सभी पिलर के वायर में पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव में एक वायर को कनेक्ट कर दिया है, और फिर टेप लगा देंगे इन सभी में, और फिर हम इस वायर को साइड में ग्लू गन की मदद से फिक्स कर देंगे। तो ये फिर लुक अच्छा लगने लगेगा हमारे स्ट्रीट का। तो फिर हम उस सर्किट को लेंगे जो हमने डिज़ाइन किया था, और उसमें जहाँ पर हमने LED को कनेक्ट किया था, LED का पॉजिटिव और नेगेटिव, वहीं पर हम इसके वायर का पॉजिटिव और नेगेटिव जॉइंट कर देंगे। जो हमें याद रखना है कि LED का पॉजिटिव कहाँ पे था और नेगेटिव कहाँ पे था। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया है। फिर इसके बाद हम एक ढक्कन लेंगे, आप कुछ भी ले सकते हैं इस टाइप से, और फिर इस तरह से इसे हम ग्लू से इसी पर फिक्स कर देंगे। तो हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है, और फिर हमने ये का एक रोल लिया है जो खाली टेप हो जाता है, जो रोल बचता है उसको हमने इस तरह से लिया है, और इसके ऊपर हमने इस तरह से फिक्स कर दिया है ग्लू की मदद से। और फिर ये दोनों वायर हैं, ये LDR के लिए हैं, जहाँ पर हमने LDR को कनेक्ट किया था। तो इस तरह से हम LDR को फिर से वहीं पर फिक्स कर देंगे इन दोनों वायर्स में। आपको पता है कि LDR में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, हम किसी भी वायर में किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फिर से इसे फिक्स कर देंगे, और फिर इसके बाद हम इन दोनों वायर में सोल्डरिंग करेंगे। तो इस तरह से ये LDR भी फिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इस ढक्कन को
इसी पर चिपका देंगे ग्लू की मदद से। तो ये एलडीआर ऊपर निकल आया। अब इसके बाद हम एलडीआर को ढकने के लिए एक पीवीसी पाइप लेंगे, ये छोटा सा हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से ये फिक्स कर दिया है हमने। अब इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो 9 वोल्ट बैटरी को हम बैटरी कैप में कनेक्ट करते हैं। अब जैसे ही हम इस पर डार्कनेस करते हैं एलडीआर पर, तो ये स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती है। यानी डार्कनेस का मतलब ये है कि जब नाइट होगी तो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाएगी, और जब दिन होगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट पर हमारा ये प्रोजेक्ट्स वर्क करेगा। तो आपको ये प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।